कि अरेंज द फॉलोइंग इन द बुक तो आपको यह नोट कर लेना है कि यह जो है पी वाई क्यू में यह हमेशा पूछ रहे हैं बुक्स का कौन सा कौन सा राइटर है चाहे माइक्रो के बुक हो मैक्रो के बुक हो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो पब्लिक फाइनेंस यहाँ पे मिक्स है तो थ्योरी ऑफ सरप्लस थ्योरी ऑफ सरप्लस का बुक जो था कौन दिया था इट वॉज गिवन बाय होम एनी वन थ्योरी ऑफ सरप्लस इट वॉज गिवन बाय थ्योरी ऑफ सरप्लस वॉज गिवेन बाय कार्ल मार्क्स इन एटीन सिक्सटी टू 1862 इट वाज गिवन बाय कार्ल मार्क्स तो आपको डेट ऑफ ईयर भी बुक के पता होने चाहिए हियर आई हैव रिटन डेट ऑफ बुक एज वेल यहाँ पे डिटेल एक्सप्लेनेशन होगा एंड दिस पीडीएफ आफ्टर द क्लास यू विल गेट आई विल अपलोड ऑन द ऐप जो भी बच्चे कोर्स ज्वाइन किए हैं जो भी बच्चे कोर्स परचेज़ किए हैं दे विल हैव एक्सेस ऑफ दिस पी एंड यू विल भी प्रोवाइडेड दिस नो इशू एंड थ्योरी ऑफ सरप्लस नाइनटीन एटी था फिर हमारा जनरल थ्योरी ऑफ किंगस आया थर्टी में था एडम स्मिथ का जो बुक था इंक्वायरी इन टू द नेचर एंड कॉलेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन सेवनटी सिक्स में था और जो एक बुक थी डेविड रिकार्डो की पॉलिटिकल इकोनॉमी की यह एटीन सेवनटीन में है तो अब इसको क्रोनोलॉजी कर लेंगे आंसर क्या होगा और अब जल्दी जल्दी से आप कमेंट करना शुरू कर दें यहाँ पे मैंने डिटेल्ड में आंसर दिया हुआ है तो सबसे पुरानी बेक सेवनटीन सेवनटी सिक्स की थी दैट इज जो डी होगा अब डी कहाँ पे है तो डी सबसे पहले देखिए एक ही जगह है हाउ इजी इट वॉज दैट्स वॉट आई एम टेलिंग यू की क्रैकिंग सी यू इट इज वेरी वेरी इजी आपको बाकी बुक्स पता नहीं भी थे इफ यू नो द डी इफ यू नो वेल्थ ऑफ नेशन सबसे पहले आया है बस डी देखिए सबसे आगे में बाकी से आपको कोई मतलब नहीं ओनली बी ऑप्शन हैज डी तो यहाँ पे डी आएगा आंसर आपका बी होगा एंड माई टारगेट इज टू टीच यू द अप्रोच हाउ टू अप्रोच द क्वेश्चन इवन विद द लिमिटेड नॉलेज सॉरी बी यस एंसर वुड बी बी दैट इज टू ठीक है आंसर टू हो जाएगा बी और सी टू प्रोवाइड दिस वीडियो इज नॉट टू टीच यू इन जस्ट वन आवर एवरी थिंग माई टारगेट इज हाउ टू मेक यू स्ट्रांग इन द एग्जाम हॉल कि आप एग्जाम हॉल में लिमिटेड नॉलेज से कैसे क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं और यह आपको सारा पीडीएफ मिल जाएगा ठीक है आई होप कि यू हैव द पीडीएफ क्वेश्चन टेलीग्राम पे ऑलरेडी प्रोवाइडेड है टेलीग्राम पे ऑलरेडी प्रोवाइडेड है ऐप पे, पे भी प्रोवाइडेड है गो टू द फाइल सेक्शन ऑफ टेलीग्राम यू विल बी देयर या फिर सर्च कर लें पी वाई क्यू ट्वेंटी थ्री आपको मिल जाएगा स्टेट्स uh, में शायद हम यह देख चुके हैं जब आपका डेटा कलेक्शन का क्लास चल रहा था कि क्रॉस सेक्शनल डेटा टाइम सीरीज डेटा और पूल डेटा क्या होता है क्वेश्चन यह है द डेटा ऑन स्टेट डोमेस्टिक जी डी पी एस जी डी पी या जी डी पी ले लो ठीक है कलेक्टेड फॉर वन स्टेट ऑफ इंडिया बिटवीन नाइनटी टू ट्वेंटी यानी कि नाइनटी नाइनटी से लेकर टू थाउजेंड ट्वेंटी वन तकरीबन बीस साल के डेटा को कलेक्ट किया गया है तो दिस काइंड ऑफ डेटा इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंपल यह टाइम सीरीज का डेटा है अब नाउ वी हैव डिफरेंट काइंड ऑफ डेटा क्रॉस सेक्शनल डेटा टाइम सीरीज डेटा पुल डेटा पैनल डेटा एंड एवरी टाइम दे कैन आस्क डिफरेंट क्वेश्चन राइट सो प्लीज आंसर हियर आंसर वुड बी बी अब कैसे समझेंगे कि टाइम सीरीज का डेटा कौन है क्रॉस सेक्शनल डेटा कौन है पूल डेटा कौन है तो यहाँ पर मैंने डिटेल एक्सप्लेनेशन दे दिया है यह आपको पीडीएफ मिल जाएगा आप क्लास के बाद यह पीडीएफ पढ़ लेंगे अच्छे से टाइम सीरीज डेटा का सबसे जो इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे डिफरेंट टाइम होंगे नाइनटीन नाइनटी नाइनटीन नाइन्टी फाइव टू थाउजेंड डिफरेंट डिफरेंट टाइम होंगे क्रॉस सेक्शनल डेटा में क्या होगा डेटा ऑफ वन और मोर वेरिएबल जैसे यहां पे जी था तो विथ जी डी पी यू मे बी हैव अनएम्प्लॉयमेंट यू मे हैव इन्फ्लेशन डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स रहेंगे बट टाइम सीरीज डेटा में क्या होगा वेरिएबल यहाँ पे लिमिटेड है एक ही है फिर है पूल डेटा तो पूल डेटा का मतलब है मिक्स ऑफ बोथ टाइम सीरीज भी रहेगा क्रॉस सेक्शनल भी रहेगा मतलब डिफरेंट वेरिएबल्स इन डिफरेंट टाइम फ्रेम ठीक है और एक है हमारा पैनल या जिसको लॉन्गिट्यूशनल डेटा भी बोलते हैं इट इज ए स्पेशल काइंड ऑफ पूल्ड या फिर क्रॉस सेक्शनल डेटा ठीक है तो यहाँ पे डिटेल आप देख सकते हैं डेटा कुल प्रकार के यहाँ पर यह होते हैं डिफरेंट टाइम पीरियड पे डिफरेंट डिफरेंट टाइम पीरियड वन टाइम पीरियड टू टाइम पीरियड थ्री टाइम पीरियड फोर हालांकि इतना डिटेल में आप नहीं भी पढ़ोगे बट यू शुड नो कि क्रॉस सेक्शनल डेटा क्या होता है टाइम सीरीज डेटा क्या होता है पूल डेटा क्या होता है एंड वंस क्लास इज ओवर यू विल गेट द रिकॉर्डेड ऑफ दिस सेशन एंड यू कैन अगेन री वॉच एंड यू कैन आस्क यूर एनी डाउट इन द कमेंट एज वेल एज आफ्टर द क्लास ऑन द टेलीग्राम ग्रुप ठीक है एंड द टाइम टेकिंग क्वेश्चन आई हैव लेफ्ट और जो क्वेश्चन लेफ्ट है जैसे अट्ठाइस का क्या होगा आंसर प्लीज कॉमेंट करें आप लोग प्लीज कॉमेंट कॉमेंट करें क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट ट्वेंटी एट जस्ट राइट लाइक दिस क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट ए या ट्वेंटी एट बी समथिंग लाइक दैट प्लीज कॉमेंट ट्वेंटी एट का क्या होगा आई कुड सी नो बडी हैज रिप्लाइड एट अब यह क्वेश्चन भी पढ़ाया गया है पर यूनिट कॉमोडिटी टैक्स है हर चीज राइटिंग करेक्ट आई थिंक ट्वेंटी एट का बी तो यहाँ पर आप ट्वेंटी एट का बी लिखेंगे बी का मतलब है सी एंड ई इज़ करेक्ट लेटेस्ट सी कि क्या सी एंड सी सही है या नहीं है सी हमारा ऑप्शन कह रहा है क्वेश्चन यह कह रहा है कि पर यूनिट कॉमोडिटी टैक्स लगाया गया है ठीक है एवरी कॉमोडिटी दिस इज इवन इन द बजट चैप्टर हलार वेरियंट वी हैव रीड सी में कह रहा है कि सप्लाई इज मोर इलास्टिक देन डिमांड द टैक्स बर्डन फॉल्स मोर हैवली ऑन बायर डेफिनेटली है इलास्टिसिटी अगर अधिक रहेगा तो बर्डन उसका क्या होगा कम पड़ेगा दिस वी हैव स्टडीड आई थिंक लेक्चर नंबर सिक्सटीन आप एक बार माइक्रो का देखिएगा माइक्रो लेक्चर नंबर सिक्सटीन वी हैव कवर्ड सच थिंग्स ठीक है <coughs> तो आपका बी स्टेटमेंट क्या होगा गलत होगा या सही होगा एनी वन प्लीज ट्वेंटी एट का बोलिए जल्दी प्लीज क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट नो आइडिया क्वेश्चन कह रहा है सी एन डी सुबिस्मिता इज राइटिंग सी एन डी यस yes, सुभिस्मिता अब ई देखते हैं इम्पोजिशन ऑफ द टैक्स क्रिएट्स डेड वेट लॉस यह तो यूबी क्यूटस है इट्स 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 आई मीन यूनिवर्सल थिंग कि जहाँ भी आपका टैक्स लगेगा इफ यू आर पुटिंग द टैक्स जैसे ये आपका सप्लाई कर्व था यह आपका डिमांड था तो देर वॉज नो डेड वेट लॉस जैसे ही आपने सप्लाई कर्व पे टैक्स लगाया सप्लाई एस प्लस टी बन गया तो यह जो एरिया बन गया दिस एरिया दिस इज योर डेड वेट लॉस अर्लियर दिस क्वांटिटी नो दिस क्वांटिटी क्वांटिटी सरैंक कम हो गया ना सो ऑल दिस थिंग्स इज ऑलरेडी टॉट इन द क्लास एंड आई डोंट थिंक की रेदर देन गिविंग टू मच टाइम ऑन वन क्वेश्चन लेट्स बी लिटिल फास्ट और सारे क्वेश्चन के डिस्कशन करवाए जाएंगे आपको टू मेक यू मोर अंडरस्टैंडेबल कि अधिक से अधिक क्वेश्चन को आप कम समय में कैसे करें एंड बेसिकली वी विल बी फोकसिंग ऑन पार्ट बी ठीक है तो इसको आप टिक कर लेंगे एक बार ऑफिशियल आंसर की से मिला लेंगे आई मे बी रॉन्ग जस्ट सुमिस्मिता इज करेक्ट आई थिंक ट्वेंटी एट का आंसर जो होगा टू होना चाहिए दैट इज सी एंड ई चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन ट्वेंटी नाइन येस दिस वाज आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन दिस क्वेश्चन वाज आउट ऑफ सिलेबस बिकॉज चलिए आंसर बताइए इसका क्या होगा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन का दिस क्वेश्चन वाज आउट ऑफ सिलेबस बिकॉज इन सिलेबस बॉमेल टॉबिन का जिक्र नहीं किया गया है बट स्टिल दे हैव आस्ड बॉमेल एंड टॉबिन तो इसके लिए आपको जो है थोड़ा सा एक्सटेंडेड पढ़ना पड़ेगा इन योर सिलेबस एक्सप्लिसिटली ट्रांजेक्शन अप्रोच बॉमेल टॉबिन का नहीं दिया हुआ है तो क्वेश्चन यह कह रहा है कि व्हाट इज द ऑप्टिमम नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन यू रेड एनी बुक इवन जो एच एल एहुजा बुक पढ़ रहे होंगे एच एल एहुजा का एच एल आहुजा का मैक्रो बुक ठीक है जो मैक्रो बुक है एच एल आहुजा का दे आर दिस इज़ ब्यूटीफुल्ली एक्सप्लेन इसका आंसर बी होगा इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू इंटरेस्ट रेट इंटरेस्ट रेट के साथ डायरेक्ट रिलेशन है ट्रांजेक्शन ऑफ डिमांड फॉर मनी का एंड ओके रिलेटेड एंड इनवर्सली रिलेटेड टू ट्रांजेक्शन कॉस्ट इसके लिए आपको बस एक फॉर्मूला या यह याद रखना है एन इज इक्वल्स टू वाई आई अपॉन टू एफ इसके डेरिवेशन को डिटेल में नहीं जाना है इफ यू नो द डेरिवेशन इट्स गुड अदरवाइज नो इशू अट्ठाइस सी ओके हर्स इज राइटिंग सर अकॉर्डिंग टू एंसर ट्वेंटी एट सी लेटेस्ट सी क्या कह रहा है ट्वेंटी एट सी में क्या है ए सीई ओके ए भी है ओके यू माइट है ए का क्वेश्चन हमने पढ़ाई में रहा है बायर पे एंडर रिसीव यस इट्स वेरी करेक्ट सॉरी ट्वेंटी ए तो करेक्ट है ट्वेंटी ए करेक्ट है ए भी करेक्ट है आई थिंक सी इसका क्या मतलब हुआ यू ट्राई टू मीनिंग जब सप्लायर हुआ और डिमांडर हुआ दोनों के बीच वेज क्रिएट कर रहा है ना वेज मीन्स ए काइंड ऑफ गैप गैप क्रिएट कर रहा है ड्यू टू टैक्स तो टैक्स भी होगा आई एम कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन यू ऑफिशियल आंसर की आई हैव नॉट ओपेंड वट ऑफिशियल आंसर अकॉर्डिंग टू एंसर वट ऑफिशियल आंसर की यू गैज विल बी टेलिंग दैट आई विल बी एक्सप्लेनिंग हियर ऑफिशियल आंसर की जिसका मैं नहीं लिखा हूँ एज आई टोल्ड इन द बिगिनिंग ऑफ क्लास ऑफिशियल एंसर की को आप एक बार क्रॉस चेक करते रहेंगे बट द स्टेटमेंट वेन आई रेड सी एंड ई इट इज कंप्लीटली ट्रू हंड्रेड ट्रू सी एंड टू चलिए मैं एक बार बी भी पढ़ लेता हूं. पोस्ट टैक्स इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इंक्रीज अरे नहीं भाई जब आप डेड वेट लॉस की बात कर रहे हो तो पोस्ट इक्विलिब्रियम कैसे क्वांटिटी बढ़ेगी सी दिस यह घटेगी ना डेड वेट लॉस है देखिए यहां पे डिमांड है यहां पे सप्लाई है तो सप्लाई यहां पे आएगी क्वांटिटी यहां से क्यू वन से क्यू टू हो गया क्यू वन से क्यू टू हो गया एंड दिस इज योर डेड वेट लॉस इज एंड दिस तो क्वांटिटी घट गई तो यह तो कंप्लीटली रॉन्ग हो गया बी तो रॉन्ग हो गया अब जहां जहां बी है उसको क्रॉस कर दिए तो बी यहां है क्रॉस हो गया ओके okay, चलिए ए इज ऑल्सो करेक्ट यस नाउ यू कैन गो विद्री आई थिंक ट्वेंटी एट का थ्री हो जाएगा सॉरी इट्स नॉट ऑफ सॉरी एंड थैंक यू इट्स ऑल अपू यू वट एवर ऑफिशियल एंसर यू विलिंग आई विल एक्सप्लेनिंग दोज एंसर्स एज आई टोल्ड यू की दिस क्लास इज बेसिकली हाउ टू अप्रोच द क्वेश्चन एंसर देखिए क्या दिया हुआ है इम्पोजिशन ऑफ टैक्स डेडविट लॉस यह तो पक्का होगा हमने यह भी देख लिया कि इफ डिमांड इज मोर इलास्टिक वहां पर क्या होगा लेस बर्डन होगा इफ डिमांड इज मोर इलास्टिक देन सप्लाई टैक्स हैव मोर हैवली नो यह गलत है स्टेटमेंट डी इज रॉन्ग सिंपल है अगर आपका इलास्टिसिटी अधिक है तो बर्डन कम होगा सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग इज इट क्लियर हर्स नो प्लीज डोंट राइट ऑफिशियल आंसर की रॉन्ग आई कुड रीड द ऑल कॉमेंट प्रोवाइडेड बाय यू इन द चैट बॉक्स यस हर्स अट्ठाइस का थ्री होगा इसको आप रिकेक्ट कर लेंगे यस सर थैंक यू हर्स सो ऑप्शन आर वेरी इजी यू हैव टू जस्ट रीड द ऑप्शन एंड विच विचर ऑप्शन यू फाइंड इट्स इन करेक्ट यू इन करेक्ट एंड जेन देन मूव टू द नेक्स्ट वन चलिए आगे बढ़ते हैं ट्वेंटी ट्वेंटी नाइन का हमने देख लिया यह फॉर्मूला बेस्ड है यह आपको करना होगा इफ यू रिमेंबर द फॉर्मूला इट वॉज इजियर अदरवाइज यह आप क्वेश्चन स्किप कर सकते थे एंड आउट ऑफ सेवन क्वेश्चन सिक्सटी टू सिक्सटी फाइव ही करने होते हैं टेन क्वेश्चन यू कैन लीव दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन वर गिवन टू लीव यू इफ यू नो इट्स गुड इफ यू डोंट नो नो नीड टू स्टडी बिकॉज आउट ऑफ सिलेबस है आउट ऑफ सिलेबस एक दो क्वेश्चन आएंगे एवरी टाइम यू नॉट रीड एवरीथिंग आउट ऑफ द सिलेबस एक दो चीज़ें आपने पढ़ ली तो ठीक है नहीं तो नो इशू यह नेट जी के सिलेबस से था जो भी नेट जी के बच्चे होंगे वह इसको ईजली कर लिए होंगे और यह फॉर्मूला है यहां पर देखिए इनकम के साथ डायरेक्ट रिलेशन है एन इज इक्वल टू तो वाई आई अपॉन टू एफ होता है ठीक है इसके साथ डायरेक्ट रिलेशन है और इसके साथ इनडायरेक्ट रिलेशन है ठीक है और डिटेल्स यहाँ पे मैंने दे दिया है कि बॉमेल टॉबिन मॉडल कैस्ट मैनेजमेंट जो है यह पोस्ट किन्सियन थ्योरी है समटाइम्स अगर क्रोनोलॉजी में पूछे कि कौन थ्योरी सबसे पहले आई तो क्लासिकल का जो था एम भी बराबर पी वाई यह पहले आई फिर किन्स का लिक्विडिटी प्रिफरेंस आई एल वन प्लस एल टू उसके बाद आपका बॉमेल टॉबिन इन थियरी आई थी क्लियर ओके थैंक यू नेक्स्ट क्वेश्चन जिसका मैंने सॉल्यूशन नहीं किया है उसको आप एक बार फिर से सॉल्व करेंगे वी विल नॉट वेस्ट आवर टाइम क्वेश्चन नंबर थर्टी आप लोग एक बार बॉक्स कमेंट बॉक्स में लिख देंगे या मैंने सॉल्व नहीं किया था दिस क्वेश्चन वाज लेफ्ट फॉर यू हाई इन पार्ट बी वट क्वेश्चन इज लेफ्ट इट विल कंबाइंड एंड विल सॉल्व चलिए क्वेश्चन नंबर थर्टी आप लिख देंगे क्वेश्चन नंबर थर्टी क्वेश्चन नंबर थर्ट का आंसर क्या है प्लीज कॉमेंट वेरी फास्ट आई एम वेटिंग फॉर योर ऑफिशियल आंसर 2020 में फार्मर हैज़ परचेज फाइव न्यू ट्रैक्टर ही सोल्ड फाइव ओल्ड ट्रैक्टर द नेट इंक्रीज इन जीडीपी थोड़ा कैलकुलेटिव है एंड इसके आंसर आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे पार्ट बी में ठीक है इसका मैंने सॉल्यूशन नहीं बनाया था चलिए आप लोग जल्दी से कमेंट कर दीजिए कि व्हाट इज द ऑफिशियल आंसर की आई एम वेटिंग फॉर द ऑफिशियल आंसर की चलिए हर्ष आई कु ऑफ यू आर हेयर सुबिस्मिता थर्टी का ऑफिशियल एंसर की हो क्या होगा एगेन सी आई एम टेलिंग यू द ट्रिक स्टेटमेंट वन फॉल्स स्टेटमेंट टू ट्रू चलिए ठीक है स्टेटमेंट वन फॉल्स स्टेटमेंट टू ट्रू तो अकॉर्डिंग टू हर्स एंसर इज डी चलिए थर्टी का डी लिख लीजिए सी इट्स नॉट अबाउट जजिंग द सम वंस कि कौन कितना पढ़ा है कौन कितना जान रहा है कौन कितना न्यूमरिकल किए हैं प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड डजेंट मैटर डेंट मैटर हाउ मच यू हैव स्टडीड हाउ मच न्यूमरिकल यू हैव सॉल्व अब मान के चलिए यह क्वेश्चन आपको मिल जाए ठीक है दिस क्वेश्चन इन रीडिंग इट सेल्फ इट विल टेक टू टू थ्री मिनट्स और यह क्वेश्चन अगर आपको पता है तो ठीक है नहीं तो आप आगे बढ़ेंगे हाँ यह जी से क्वेश्चन है तो एक बार चलिए हम इसको पढ़ ही लेते हैं तो एक किसान है ठीक है और उन्होंने फाइव ट्रैक्टर को परचेज किया एट टू लैख रुपीज देन ही सोल्ड इट एंड ही सोल्ड फाइव ओल्ड ट्रैक्टर टू अदर फार्मर फिफ्टी थाउजेंड में इन द सेम इयर द नेट इंक्रीज इन जी डी पी ड्यू टू दिस ट्रांजेक्शन दिस वन दिस अमाउंट ठीक है आप मल्टीप्लाई कर देंगे इससे सब ट्रैक्ट कर देंगे परचेज फाइव न्यू ट्रैक्टर फाइव न्यू ट्रैक्टर इतना इच तो दिस इंटू दिस टेन लैक हो जाएगा ही सोल्ड फाइव ओल्ड ट्रैक्टर टू अदर फार्मर ऑफ इतना तो फाइव इंटू दिस इन द सेम इन नेट इनक्रीज इन जी डी पी ऑफ द नहीं या तो डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट हो गया राइट स्टेटमेंट टू इज फॉल्स स्टेटमेंट टू इज टू तो इस तरह से अगर मैं आपको एक टिप्स uh, दूं फॉर द स्कोरिंग है सी इफ यू फाइंड क्वेश्चन आर स्ट्रेट क्वेश्चन आर डायरेक्ट यू कैन डेफिनेटली अटैम्प्ट क्वेश्चन अगर आपको क्वेश्चन लगे वन सेकंड अगर आपके क्वेश्चन लगे कि नहीं टफ है मुझे समझ में नहीं आ रहा प्लीज स्कीप इट इफ आई वर इन मास्टर्स इफ आई वर इन एग्जाम हॉल अगर मेरा दिमाग काम करता कि यह जी डी पी पे है और डुप्लीकेशन ऑफ आइटम को हम इंक्लूड नहीं करते हैं तो दैट अप्रोच आई कुड हैव टेकन अदरवाइज मई प्रेम से विथ माई विल फुलली आई विल लीव दिस क्वेश्चन नो इशू द सेशन इज मेनली टू ट्रेन यू कि कैसे मार्क्स को मैक्सिमाइज करें वी हैव जस्ट लिमिटेड टाइम लेफ्ट टू मंथ्स टू एंड हाफ मंथ्स एवरी थिंग वी कैनोट रीड नेक्स्ट क्वेश्चन यह तो डायरेक्ट क्वेश्चन है आई थिंक यह क्लास के नोट्स में भी आपको मिल जाएगा स्टेटिस्टिक्स के नोट्स ऐप पे भी अवेलेबल हैं और क्लास में जो नोट्स आपको पढ़ाया गया था दिस विल बी अवेलेबल हम स्टैट्स के फिर से रिवीजन क्लास जब शुरू करेंगे एज आई डिस्कस कि डेली पांच क्वेश्चन स्टैट्स के डेली पांच क्वेश्चन माइक्रो के मैथ्स के इंडियन uh, इकोनॉमी के हमारा रिविजन सेशन डेली चलेगा सो नो नीड टू वरी अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है क्वेश्चन यह कह रहा है कि सपोज दैट देर इज ए रैंडम सैंपल ठीक है ऑफ साइज एंड अब साइज एन है तो एन इज इक्वल टू हमारा दिया हुआ है एन इक्व टू टेन यहाँ पे सॉल्यूशन आप देख सकते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन दिया हुआ है फिर दिया हुआ है कि कोवेरियंस दिया हुआ है कोवेरियंस बिटवीन टू वेरिएबल्स कोवेरियंस बिटवीन टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई इज हंड्रेड तो कोवेरियंस हमारा कोवेरियंस क्या है एक्स और वाई के बीच क्या दिया हुआ है हंड्रेड फिर सिग्मा एक्स सिग्मा, yes. सिग्मा, एक, सिग्मा वाई दिया हुआ है यस स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा एक्स सिग्मा वाई दिया हुआ है फाइव एंड टेन हियर आई हैव रिटन एवरीथिंग एन इज इक्व टू सॉरी एन इज इक्वल टू लेटमी रेज इट एन इज इक्वल टू टेन एंड को हंड्रेड है सिग्मा वाई फाइव है सिग्मा ये टेन है फिर फॉर्मूला बैठाना है फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है बी वाई एक्स का बी वाई एक्स का फॉर्मूला पता है राइट right? तो बी वाई एक्स का फॉर्मूला आप लिख देंगे एवरीथिंग इज ऑलरेडी प्रोवाइडेड इन नोट्स एज वेल एज इन क्लास तो बी वाई एक्स इक्वल टू क्या होता है को रिलेशन कॉफिशियंट एक्स अपॉन यहाँ पे एक्स रहेगा तो नीचे भी एक्स आएगा यहाँ पे सिगमा वाई आ जाएगा वाई अपॉन एक्स आएगा यहाँ लिखा ठीक है फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर देंगे एवरी थिंग आर इक्ट टू हमारा आ जाएगा क्या होगा थर्टी फर्स्ट का प्लीज राइट क्वेश्चन नंबर एज विदेश रोड इन द बिगनिंग ट्वेंटी एट डू डी तो थर्टी वन का क्या होगा थर्टी वन का एक आएगा आई थिंक इफ यू कैलकुलेट बी वाई एक्स आई थिंक आई गॉट द एंसर फोर बी वाई एक्स का वैल्यू निकालना है यहां पे मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ फाइंड बी वाई एक्स बीवाई एक्स का वैल्यू क्या होगा बी वाई एक्स का फॉर्मूला आपको पता है बी वाई एक्स इज इक्व होता है आर इन टू सिवरीथिंग इज गिवेन जस्ट पुट द वैल्यू थर्टी वन सी थर्टी वन क्या होगा आंसर वॉट इज द एंसर फोर और वन फोर या वन चलिए कॉमेंट कीजिए थर्टी वन का आंसर क्या होगा फोर होगा या वन आएगा मी चेक वन ना फोर यस बी वाई एक्स और इसी तरह आपसे पूछे अगर बी एक्स वाई बी वाई एक्स वाई एक्स फोर आएगा तो बी वाई एक्स फोर क्या है फोर यहां पर वन आएगा यस yes, करेक्ट अच्छा वन सॉरी वन इज ऑप्शन एंसर इज फोर ओके डोंट गेट कंफ्यूज तो थर्टी वन का यह हो गया सॉरी आई कैल्कुलेटेड और ओके सुभिस्मिता सुबिमिता इज करेक्ट नव्या इज करेक्ट प्रीति इज करेक्ट थैंक यू थैंक यू एब्सोल्यूटली करेक्ट ठीक है एनी डाउट टू अंडरस्टैंड

हेराडोमन मॉडल का सेशन फिर से अपलोड हो जाएगा नो नीड टू वरी पीपल हु है इट्स ओके इफ़ यू हैव नॉ रेड यू विल भी प्रोवाइडेड द सेशन नो नीड टू वरी ठीक है एंड आई एम प्रिज्यूम की प्रिज्यूमिंग की यू नो द बेसिक्स तो जो हमारा हैराडोमन मॉडल यहाँ पर दिया हुआ है ऑलरेडी सेविंग रेट देखिए दिया हुआ है सेविंग रेट एस जो कि इन्वेस्टमेंट रेट होता है इक्विरियम एस इज इक्वस टू आई तो सेविंग रेट और इन्वेस्टमेंट रेट हमारा क्या है थर्टी वन पॉइंट टू परसेंट राइट फिर है हमारा ग्रोथ uh, रेट भी दिया हुआ है आई थिंक ग्रोथ रेट जो है G जी जो दिया हुआ है सिक्स परसेंट है तो कैपिटल आउटपुट रेशियो अकॉर्डिंग टू क्या होगा सी ओ आर कैपिटल आउटपुट रेशियो यहाँ पे ठीटा से लिखते हैं तो ठीटा इक्वल्स टू क्या होता है एस अपॉन जी तो एस का वैल्यू दिया हुआ है थर्टी वन अपॉन टू अपॉन सिक्स इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा थर्टी वन अपॉन सिक्स इफ यू डिवाइड यू विल गेट फाइव पॉइंट टू दैट्स इट सिंपल है ये कैपिटल आउटपुट रेशियो पर निकल जाएगा तो फाइव पॉइंट टू हमारा क्या आ गया फाइव पॉइंट टू देखिए यहाँ से डायरेक्ट आ गया टू तो थर्टी टू का टू वेरी इजी दिस तो क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड थे वन बाय फोर होगा बी एक्स वाई ओके चलिए एनी डाउट नबिया यू आर टेलिंग समथिंग बी वाई एक्स फोर आया है ना बीवाई एक्स फोर आया आई थिंक वंस क्रॉस चेक एवरीबडी गॉट द फोर वंस यू क्रॉस चेक फॉर्मूला आप सही रखें तो थोड़ा इधर उधर हो सकता है टू पुट द डिजिट करेक्टली मॉडल पे यह ऑल टाइम फेवरेट है एनटीए का क्वेश्चन समटाइम्स वो कैपिटल आउटपुट रेशियो देंगे समटाइम्स ग्रोथ uh, दे देंगे यस सर फोर ओके ओके चलो नव्या थैंक यू ठीक है डन नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन कितना इजी है यह तो काफी बार मैंने क्लास में बताया विच बॉडी हैज द शेयर टू टैक्स रेवेन्यू कुछ दिन पहले भी मैंने जब पढ़ाया पब्लिक इंडियन पब्लिक फाइनेंस पढ़ा रहा था सेंटर के बारे में तो कौन डिसाइड करती है दिस इज डिसाइडेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस फाइनेंस कमीशन पे कमीशन नीति आयोग कौन करती है फाइनेंस कमीशन अंडर आर्टिकल टू ठीक है यह कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है फाइनेंस कमीशन अंडर आर्टिकल टू इट रिकमेंड्स द डिवीजन ऑफ एवरीथिंग इज रिटन हिस्टर एंड यू कैन जस्ट रीड इट ही नो नीड टू वरी सारा डिटेल्स दिया हुआ है फाइनेंस कमीशन इट इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी सेटअप अंडर टू एट्टी इट डिफाइंस द फाइनेंशियल रिलेशनशिप बिटवीन सेंटर एंड स्टेट और डिवीज़न ऑफ पावर कैसे होती है फंक्शन क्या है uh, अभी जो है आपका एन के सिंह है प्लीज रिमेंबर एनके सिंह है अभी फिफ्टींथ का फिफ्टींथ फाइनेंस कमीशन का एनके सिंह है और जो फोर्टींथ था वह यावे रेड्डी थे ठीक है यावे रेड्डी एनी डाउट डन नेक्स्ट तो इसका आंसर हो जाएगा फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया थर्टी थ्री का क्या होगा सी होगा या थर्टी थ्री का बी होगा क्या होगा जल्दी बताइए विच बॉडी डिसाइड्स द शेयर ऑफ स्टेट टैक्स रेवन्यू सी या प्लीज राइट क्वेश्चन विथ एंसर खुशी प्लीज राइट लाइक नव्याज राइटिंग नव्या इज राइटिंग थर्टी थ्री सी ओके थर्टी थ्री सी सो राइट लाइक दिस येस थर्टी थ्री सी इज करेक्ट सो समटाइम्स क्या होगा वहां पर रिकमेंड देंगे तो जनरली क्या होता है यह जो है रिकमेंडेशन देती है फाइनेंस कमीशन आर्टिकल टू एट्टी एंड ऑल डिटेल्स है नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए थर्टी फोर का आप लोग बताइए अब थर्टी फोर इजी है थर्टी फोर का वही है स्टेटमेंट वन स्टेटमेंट टू सी स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू वाला क्वेश्चन को आप लोग थोड़ा सा गौर से पढ़ेंगे वंस यू विल बी फोकसिंग ऑन द नेचर ऑफ क्वेश्चन इट्स ईजी है जैसे थर्टी फोर का आंसर जो है यहाँ पे हमारा वन आया है वंस यू क्रॉस चेक थर्टी फोर का वन का मतलब है बोथ स्टेटमेंट ट्रू है पढ़ते हैं क्या है स्टेटमेंट हमारा तो स्टेटमेंट यह कह रहा है कि वैन डिमांड कर्व शिफ्ट्स इफ़ द सप्लाई curve is स्टीपर then प्राइस चेंज इज़ लार्जर एंड द चेंज इन अमाउंट ऑफ बाउट एंड सोल्ड इज स्मॉलर एज कम्पेयर टू ये तो डायग्राम बेसिस है ये देखिए यहाँ पे देखिए डायग्राम है डायग्राम हमने खींचा जो भी स्टेटमेंट में कह रहा है कि हमारा डिमांड ये है सप्लाई ये है और एक हमने फ्लैटर लिया और एक हमने स्टीपर लिया फिर यहाँ से हमने क्वांटिटी चेक किया फिर स्टेटमेंट टू के तरह ही हमने डायग्राम ड्रॉ किया थर्टी फोर का क्या है आंसर देखिए आप जल्दी से ड्रॉ कीजिए थर्टी फोर का स्टेटमेंट टू वही है वैन सप्लाई शिफ्ट जब सप्लाई शिफ्ट करेगी तो इफ़ डिमांड कर विज स्टीपर देन प्राइस चेंज इज लार्जर एंड द चेंज इन द अमाउंट बॉट सोल्ड इज स्मॉलर एज कम्पेयर टू द फ्लैटर डिमांड का तो बस डिमांड और सप्लाई आपको ड्रॉ करना था और जो जो कह रहा है कभी सप्लाई को आप शिफ्ट कभी सप्लाई को फ्लैटर करेंगे कभी स्टीपर करेंगे कभी डिमांड को स्टीपर कभी करेंगे कभी डिमांड को वो करेंगे और दोनों का क्वान्टिटी मेजर कर लेंगे पता चल जाएगा ठीक है इट वॉज ईजियर वन

थर्टी फोर डी थर्टी फोर डी मींस राइटिंग थर्टी फोर ए ऑफिसियल एंसर की विजिट ऑफिशियल एंसर की ठीक है आपको मैं डिटेल एंसर की प्रोवाइड करवा दूंगा उसके बाद आप ऑफिशियल एंसर की से मिला लेंगे ठीक है यहां पर जो सॉल्यूशन दिया है यहां पे गलत हो सकता है बट द एक्सप्लेनेशन पार्ट विल बी हेल्पफुल टू सी द देंसर ए ए सर कैन यू प्लीज एक्सप्लेन द स्टेटमेंट वन स्टेटमेंट वन क्या है डायग्राम बनाना है ना स्टेटमेंट वन इज वेरी इजी देखिए डिमांड कर्व शिफ्ट हो रहा है ठीक है देखिए डिमांड कर्व यहाँ डी वन से डी टू शिफ्ट हो गया इट्स कंप्लीटली रिटर्न वेरी क्लियरली ना इफ सप्लाई कर्व इज स्टीपर एक में सप्लाई कर्व आपका स्टीपर है देन प्राइस चेंज इज लार्जर तो यहाँ यह कह रहा है कि स्टीपर सप्लाई कर्व में प्राइस चेंज लार्जर होगा या फिर फ्लैटर में होगा किस में प्राइस चेंज लार्जर होगा आई थिंक दे आर आस्किंग दिस देन द प्राइस चेंज इज लार्जर द प्राइस चेंज इज अमाउंट बॉट एंड सोल इज स्मॉलर एज कंपेयर टू फ्लैटर प्राइस चेंज देर आरकिंग प्राइस चेंज येस नॉट क्वांटिटी चेंज प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज स्टेटमेंट वन इज ट्रू प्राइस चेंज इज लार्जर ना वेन देर इज ए स्टीपर स्टीपर में देखिए प्राइस चेंज लार्जर होगा चलिए गुड नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज ड्रॉ डायग्राम इट्स इजी हाँ प्राइस और क्वांटिटी में ओके नव्या गॉट इट ओके थैंक यू प्राइस और क्वांटिटी दोनों अलग अलग है प्लीज रीड इट क्लियरली यह नेचुरल मोनोपोली है मोनोपोली के क्लास में हमने सब कुछ कवर कर लिया है कुछ नया थियरटिकल आपको चीज़ें नहीं मिलेगी एवरीथिंग वी हैव डिस्कस्ड इन द क्लास इट सेल्फ नेचुरल मोनोपोली क्या होता है उसके फीचर्स आपको पता है उसके इक्विलिब्रियम कंडीशन पता है यू कैन ईजिली आंसर इट तो थर्टी फाइव का ऑफिशियल आंसर क्या है जल्दी से कॉमेंट करेंगे आई थिंक थर्टी फाइव का थ्री होगा वंस यू सी थ्री में है ए एंड सी ए में कह रहा है वेन फॉर्म एवरेज कॉस्ट इज प्रोड्यूसिंग गुड कंटिन्यूसली डिक्लाइंस द नेचुरल मोनोपोली एराइजिस और सी में है ए एंड सी सी में है ए मार्केट नेचुरल मोनोपोली वेन ए गुड इज प्रोड्यूस्ड मोस्ट इकोनॉमिकली बाय सिंगल फॉर्म यस मोनोपोली का तो मतलब वही है चलिए आंसर आप जल्दी से देखिए ऑफिशियल आंसर की थर्टी फाइव का क्या आया है थर्टी फाइव ऑफिसियल एंसर की और इस तरह से डायग्राम बनेगा एंड दिस इज द नेचुरल मोनोपोली कंडीशन नेचुरल मोनोपोली क्या होता है यहाँ पे एक लॉन्ग रन में आपका लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट का काफी डिक्लाइनिंग होगा थर्टी फाइव सी वेरी करेक्ट चलो प्राउड ऑफ यू जैसे एग्जाम्पल में इंडियन रेलवे हो गए पब्लिक यूटिलिटी होगी गैस पाइपलाइन हो गई ठीक है और एवरेज कॉस्ट जो होगा यह कंटिन्यूसली डिक्लाइनिंग होता है नेचुरल मोनोपोली का और यह डन थर्टी फाइव डन थर्टी सिक्स

थर्टी सेवन द सिक्वेंस ऑफ वेज प्राइस फ्लेक्जीबिलिटी अप्रोच पीगू क्या दिया था पीगू का आपको सिक्वेंस बताना है तो सिक्वेंस में सबसे पहले क्या आया था देखिए डी 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 है शायद डी होगा देखते हैं सबसे पहले तो अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज बढ़ेगी यस यहाँ पे देखिए सिक्वेंस यहाँ पे मैं लिखा हूँ ऑलरेडी वेज प्राइस पीगू का फ्लेक्जीबिलिटी क्या कह रहा है कि अनएम्प्लॉय वन सेकेंड प्रीति इज राइटिंग थर्टी फाइव थर्टी फाइव का थ्री यस थर्टी फाइव का थ्री या थर्टी फाइव का थ्री दैट इज सी दिस वन ना ए एंड सी ये करेक्ट सेशन वी हैव टू आई थिंक स्प्लिट इन टू टू पार्ट आई डोंट नो वॉट विल हैपन कैन वी कंप्लीट इट टू बट दिस सेशन विल वी विल कंटिन्यू द सेशन होप यू आर इंजॉइंग एक बार कॉमेंट कर दें कि येस सर मजा आ रहा है सो दैट वी कैन जस्ट गो हैड हाँ यह है पीगू प्राइस फ्लेक्जीबिलिटी थर्टी सेवन का सी होगा पहले क्या आया अनएम्प्लॉयमेंट आएगी अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा वेज एंड प्राइस डेफिनेटली डिक्लाइन करेंगे यह हमने फिलिप्स में भी पढ़ा है <coughs> इसके कारण क्या होगा कॉस्ट ऑफ डिक्लाइन प्राइस डिक्लाइन रिजल्ट इंटू सारा का प्राइस फॉल हो जाएगा एसेट का इसके कारण क्या होगा रियल वैल्यू ऑफ एसेट इंक्रीज होंगे कोई भी चीज का प्राइस घटता है तो उसका रियल बनता है ना क्योंकि नॉमिनल बाय प्राइस होता है टू गेट द रियल वैल्यू एंड लेस सेविंग वुड बी अंडरटेकन एंड कंजम्पशन इंक्रीजेज एंड आउटपुट राइजेज यह दिया था पी महोदय ने and no need to worry if you are making notes out of it it's very good and this note is already uploaded on the app as well otherwise after the class you will be provided no need to worry ठीक है तो थर्टी सेवन का सी देख लेंगे आप सिक्वेंस यह मैक्रो इकोनॉमिक्स के बुक्स में भी दिया हुआ है ठीक है फ्यू थिंग्स आर नॉट इवन डिस्कस्ड प्रॉपरली इन मोस्ट ऑफ द बुक्स बट द बुक आई एम टेलिंग यू एचलहूजा आप मैक्रो पढ़िए उसमें काफ़ी अच्छा से यह दिया हुआ है ओके okay, नव्या चलिए यह तो ईजी क्वेश्चन है थ्योरम हालांकि अगेन इट इज आउट ऑफ सिलेबस कोस्थ थ्योरम इजी है थ्योरम अगर आप पब्लिक इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे यह नेट के सिलेबस से दिया गया है इसलिए मैं बोलता हूँ कि नेट पेपर टू का जो बुक है उसको आप खरीद लेंगे उससे आप सॉल्यूशन कर सकते हैं उससे आप सॉल्व कर सकते हैं नेट पेपर टू से यूजीसी नेट पेपर टू बहुत सारी है एरिहंत की भी आती है इन्वयरामेंटल इकोनॉमिक्स से रिलेटेड ये सोभिष्मिता दिस इज आउट ऑफ द सिलेबस दिस इज आउट ऑफ द सिलेबस एज आई टोल्ड कि आउट ऑफ सेवेंटी फाइव क्वेश्चन यू आर नॉट सपोज टू टच मोर दैन सिक्सटी फाइव क्वेश्चन इट्स डेंजरस बिकॉज चार पाँच क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस रहेंगे एक दो क्वेश्चन एरर रहेंगे सो इट्स और योर डिसीजन इट्स एग्जाम ना एग्जाम ऑल्सो चेक हाउ मच सिलेलेबस यू नो एंड देआर नॉट आस्किंग यू टू स्कोर फोर आउट ऑफ फोर हंड्रेड आउट ऑफ फोर हंड्रेड राइट सो प्लीज टू अंडरस्टैंड चलिए थर्टी एट का सी होगा ठीक है इसको आप एक बार देख लेंगे कोर्स थ्योरम काफी ईजी है कोर्स थ्योरम थ्योरम यह रोनाल्ड कोस के दियारा गया था यह कुछ नहीं कहता इट सेज दैट कि अगर एक्सटर्नलिटी सिचुएशन हो एक्सटर्नलिटी वी हैव ऑलरेडी डन इन द क्लास ड्यू टू इनकम्पलीट प्रॉपर्टी राइट्स प्रॉपर्टी राइट्स आपको पता है कि यह डिफाइंड होती है प्राइवेट में और अगर यह इनकम्प्लीट रहे तो देन सॉल्यूशन हाउ सॉल्यूशन विल इन्वॉल्व देन यू हैव टू क्रिएट द प्रॉपर्टी राइट बिटवीन टू पार्टीज इधर बाय जो भी विक्टिम है उनको आपको मुआवजा देना होगा या फिर यू हैव टू जस्ट पार्टीशन हाफ हाफ आप बर्डन को हाफ करेंगे उसके लिए क्या किया उन्होंने बोला प्रोफेसर रोनाल्ड को वी कैन हैव सोशली ऑप्टिमम आउटकम कैसे होगा सोशली ऑप्टिमम आउटकम दे हैव गिवन दीज कंडीशन यस टेजरी ऑफ कॉमन्स वाला टॉपिक है यस यस यू आर राइट यू आर राइट कि सुबिस्मिता नो वेल्थ नो इनकम परफेक्ट इन्फॉर्मेशन होना चाहिए परफेक्ट कॉम्पिटिशन होना चाहिए राइट एंड देयर शुड नॉट बी ओके सो दिस वॉज आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन दिस वॉज आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन यू कैन स्न स्कीप इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड एज आई टोल्ड सिंस बिगनिंग कि आउट ऑफ सेवेंटी फाइव क्वेश्चन नो नीड टू टच मोर देन सिक्सटी फाइव क्वेश्चन टफ होंगे इट्स परीक्षा राइट दूसरों की इच्छा नेक्स्ट लेट्स मूव टू द नेक्स्ट दिस वॉज आउट ऑफ द सिलेबस मैथ्स हमने मैथ्स को मैथ्स के क्लास में कवर कर लिया है कन्वेक्सिटी फिर यहां पे डिफरेंस इक्वेशन और एक डिफरेंशियल इक्वेशन भी था दीज ऑल आर ऑलरेडी कवर्ड येस दिस क्वेश्चन वॉज आस्ट मेनी टाइम्स एंड दिस वॉज डायरेक्टली फ्रॉम द लास्ट लेक्चर 2023 के बैच को जब मैं पढ़ाया था दिस वॉज डायरेक्ट फ्रॉम द क्लास इट और यह यू जी नेट के भी क्लास में कई बार आया है द क्वेश्चन वॉज दैट कि जल्दी से आप लोग कॉमेंट कीजिए क्वेश्चन नंबर फोर्टी का क्या होगा प्लीज कॉमेंट या प्रीति इज राइटिंग सिक्स एब्सोल्यूटली करेक्ट यहाँ पे मैंने आंसर लिखा है ऑलरेडी द पी डी एफ यू विल बी प्रोवाइडेड आफ्टर द सेशन नो नीड टू वरी द आर बी आई मोनिटरी पॉलिसी आपको पता है कि यह थ्री प्लस थ्री बॉडी है ऑब्जेक्टिव आपको पता है कि जनरली क्या है इन्फ्लेशन टारगेटिंग है ठीक है इन्फ्लेशन टारगेटिंग लक्स चीज राइटिंग सर एंसर फोर ऑफ फोर्टी थ्री सुबिस्मिता इज राइटिंग फोर्टी थ्री फोर यस फोर्टी थ्री का फोर है तो फोर्टी थ्री का फोर हमारा क्या है दैट इज सिक्स राइट तो फोर्टी थ्री का फोर मीन्स टोटल सिक्स तीन होंगे आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के बॉडी मेंबर होंगे और तीन क्या होंगे आपके आर बी आई के होंगे ऑल डिटेल्स हेयर गिवन आफ्टर सेशन यू कैन हैव ए लुक ओके आपको पी डी एफ मिल जाएगी चलिए नेक्स्ट सेशन एक्सपेंशन पाथ यू विल बी सरप्राइज टू नो इन 2020 थाउजेंड ट्वेंटी इन टू थाउजेंड ट्वेंटी दिस क्वेश्चन वॉज एक्सपेंशन पाथ फाइव मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था इंडियन इकोनॉमिक सर्विस पेपर वन में ठीक है आई रोट दिस एग्जाम सो आई रिमेंबर डायरेक्ट क्वेश्चन था वाट इज एक्सपेंशन पाथ एक्सप्लेन इट डायग्रामेटिकली डायरेक्ट क्वेश्चन था एंड सेम क्वेश्चन देखिए आपको एम सी क्यू बना के सी यू टी ने पूछा है तो एक्सपेंशन पाथ आपको पता है <coughs> कैसे निकालते हैं ठीक है दिस वाला इसके टेंजेंट पॉइंट को ज्वाइन करना है एंड यू हैव टू जस्ट ड्रॉ ए लाइन जहाँ पे यह पॉइंट जाएगा पॉइंट जाएगी एंड एक्सपेंशन पाथ में यह इंपॉर्टेंट है प्लीज नीड नॉट टू बी ऑलवेज स्ट्रेट लाइन इट कुड बी जिगजैग ऑल्सो बिकॉज इट शोज द जस्ट टेंजेंसी बिटवीन टू पॉइंट क्लियर तो एंसर क्या होगा फोर्टी का एनी बडी कैन कॉमेंट सर आइसो क्वांट एंड आइसो कॉस्ट के बीच में जो लाइन है येसो बिस्मिता यू आर राइट प्लीज राइट द एंसर वाट वुड वी द एंसर फॉर फोर्टी फोर एनी वन एनी वन डिटेल्स यहां पर मैं लिख चुका हूं यू विल गेट दीडीएफ इफ यू नो फोर्टी फोर का एंसर एंसर वुड बी एनली तो एक्सपेंसन पाठ होता क्या है दैट इज जस्ट लिस्ट कॉस्ट वाला ऑप्टिमम पॉइंट जो होगा एंड इट सोज द कॉम्बिनेशन ऑफ एल एंड के वेन वी वर डूइंग प्रोडक्शन चैप्टर आई थिंक फर्स्ट और सेकेंड क्लास प्रोडक्शन थे हमने यह कवर किया है तो यू कैन जस्ट गो एंड रिवाइज एंड अगेन ट्राई टू अटेम्प द्वेश्चन फोर का वन है मोस्ट ऑफ यू मोस्ट ऑफ यू नो द माइक्रो एंड माइक्रो हाँ जो फैक्चुअल क्वेश्चन है दिस वॉज कंप्लीटली फैक्चुअल क्वेश्चन फॉर सच क्वेश्चन आई वुड लाइक टू इन्वाइट यू इफ यू नो द एंसर जस्ट गो विद दिस इफ यू डोंट नो जस्ट लीव दिस इफ आई वर ए स्टूडेंट इफ आई वर अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन ऑफ टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री या फोर्टी फाइव का टू कहना काफी आसान है बट एवरी टाइम यू कैनॉट मार्क टू राइट द कमिटी रिव्यू रिलेटेड टू मॉनिटरी पॉलिसी देखिए यह क्वेश्चन टफ नहीं था वी विल गो व्यर एलिमिनेशन डी टी वाला, सीरंग राजन मोन्टिंग सिंह अल्हवालिया सुखमय चक्रवर्ती सो फॉर मी इफ यू नो एनी ऑफ इट एनी ऑफ यू नो यू जस्ट एलिमिनेट इट इफ आई वर विथ यू इफ आई वर एट योर प्लेस आई वुड हैव एलिमिनेटेड थ्री एंड फोर थ्री एंड फोर या इससे रिलेटेड नहीं हो सकता ठीक है तो थ्री और फोर एलिमिनेट हो गया बचे एक और दो तो यहां पे आपको पता है तो ठीक है नहीं तो तुक्का खेलना होगा तुक्का में भी फिफ्टी फिफ्टी परसेंट चांस रहता है होने का सो हियर यू हैव गुड चांस टू गेट द आंसर यहां पे सारा मैं डिटेल्स लिख चुका हूं कि सुखमा चक्रवर्ती कौन थे फिर लकड़ा वाला कमेटी किससे रिलेटेड है पॉवर्टी से रिलेटेड है यू नो वेरी वेल वी हैव डिस्कस सच थिंग्स वेन आई वॉज टीचिंग पॉवर्टी टॉपिक फिर सी रंगराजन कमेटी किससे रिलेटेड है ऑलरेडी डिस्कस्ड ओके चलिए नेक्स्ट यस, फोर्टी फाइव टू यस प्रीति इज राइट सुबिस्मिता इज राइट यस एब्सोल्युटली करेक्ट फोर्टी फाइव का टू विल टेक फाइव सिक्स मोर क्वेश्चन एंड देन लीव यू लीव यू एंड विल सेंड दिस पी चलिए एक और इजी क्वेश्चन आपके साथ है यहाँ पे क्वेश्चन यह है इट इज इन फॉर्मूला बेस्ड है कि हियर रैंडम सैंपल ऑफ ट्वेंटी फाइव दैट इज एन इज इक्वल टू ट्वेंटी फाइव

टेन फाइव टू राइट टू विलसर फोर्टी सिक्स का टू फॉर्मूला बेस्ड नथिंग मस्ट टू वरी सी पीपल हु मैथ्स एंड स्टेट्स के लिए मैं उनको बताऊंगा कि आप लोग बेसिक्स कर लो सारे स्टेट्स के तो क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड आए थे सो फार वी हैव सीन फोर फाइव क्वेश्चन और डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड थे मैथ के क्वेश्चन थोड़े टफ थे बट स्टिल आउट ऑफ टेन फोर फाइव मैथ्स कुड बी डन प्लीज ऑप्टीमाइज इट्स ऑल अबाउट ऑप्टिमाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज नेक्स्ट दिस क्वेश्चन वॉज कम्प्लीटली आउट ऑफ द बॉक्स इफ़ यू नो नो अदरवाइज नो इशू कितना भी पढ़ लो पता है तो पता है नहीं तो नहीं पता है टू बी वेरी फ्रेंक इवेन आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ दिस क्वेश्चन ठीक है डैनियल थॉर्नर किसी बुक से या किसी पब्लिशिंग आर्टिकल वगैरह से ये क्वेश्चन उठाया गया डैनियल थॉर्नर का किससे रिलेशन था रेलवे से रिलेशन था इफ यू हैव रेड एनी बुक प्रॉपरली तो यू कुड गेट द एंसर रेलवे अदरवाइज यह क्वेश्चन यू कुड स्कीप नो इशू इट्स नो नो सेम इफ यू नो इट्स ओके इफ़ यू डोंट नो इट्स ओके क्योंकि हमें फोर हंड्रेड आउट ऑफ फोर हंड्रेड नहीं करना है हमारा टारगेट है डी एस सी तो आउट ऑफ थ्री हंड्रेड ना यहाँ पर हमें मिनिमम टू हंड्रेड प्लस लाने हैं फॉर जे एन यू और नियरली ट्वेंटी टू थर्टी क्वेश्चन आपके डी एस सी में आ जाएंगे क्योंकि जनरल कैटेगरी का जो जनरल कैटेगरी का कट ऑफ था फॉर नॉन डी यू स्टूडेंट टू थर्टी एट गया था लास्ट टाइम ठीक है सो दैट्स ऑल हमें नियरली टू फोर्टी प्लस रखना है और हमें इसमें जो है आउट ऑफ थ्री हंड्रेड टू हंड्रेड रखना है नेक्स्ट सिंपल न्यू क्लासिकल मॉडल यह भी नेट के पी वाय क्यू से किया गया है दिस इज स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन यूजीसी नेट पेपर टू आप लोग लास्ट फोर टू फाइव इस का खुद सेल्फ स्टडी करके प्रैक्टिस कर लेंत की एक बुक आती है उसको आप क्विक रिविजन के लिए ले सकते हैं द बुक नेम और पेपर नेम इज यूजीसी नेट पेपर टू इकोनॉमिक्स मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन यह डायरेक्ट क्वेश्चन वही थे टेक्निकल प्रोग्रेस आपके सिलेबस में भी नहीं है बट वंस यू रीड द न्यू क्लासिकल एंड सोलो मॉडल देन यू शुड नो कि न्यू क्लासिकल सोलो मॉडल को ही हम लोग हेराड न्यूट्रल टेक्नोलॉजी कहते हैं इसका प्रूफ है इसका प्रूफ जब आप मास्टर्स में जागोगे डिटेल्ड में पढ़ोगे कि हाउ इट इज नॉन एज हेरॉड न्यूट्रल टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस अगेन वन ऑफ द इजियर क्वेश्चन बट इट वॉज आउट ऑफ सिलेबस आई थिंक वन एजेंसन ऑफ द क्लासिकल सी एल आर एम जो भी इकोनॉमेट्रिक्स पढ़े हैं या फिर डी से पढ़े हैं ठीक है उनको पता होगा सी यह यूनिट वन है इफ़ यू सी द इफ़ यू आर रीडिंग इकोट्रिक्स इकोनॉमेट्रिक्स का यह यूनिट वन है दामोदर गुजराती में करीब दस बार है एजम्पन है यहाँ पे मैंने एजम्पन लिख दिया है हालांकि नथिंग टू बॉडर ओनली वन क्वेश्चन आए थे इकोनोमेट्रिक्स से यू आर नॉट सपोज टू रीड एंटायर इकोनॉमेट्रिक्स अगेन और फोर्टी का जो आंसर होगा आई थिंक टू होगा नॉट एट ऑल बी द सेम अगर आपको पता था तो ठीक है अदरवाइज यू कैन स्कीप द क्वेश्चन बिकॉज दिस वॉज आउट ऑफ सिलेबस देखिए एग्जाम ज्यादा टफ है नहीं ट्रस्ट मी एग्जाम टफ है नहीं यू हैव टू ऑप्टिमाइज द थिंग्स मीन्स आउट ऑफ सेवनटी फाइव क्वेश्चन प्लीज डोंट अटैम्प्ट ऑल सेवेंटी जस्ट सिक्सटी टू सिक्सटी टू क्वेश्चन मोर देन एनफ दस बारह क्वेश्चन आप छोड़ दो दस पंद्रह क्वेश्चन ना लाइक सच क्वेश्चन दिस इज नॉट टफ क्वेश्चन एट ऑल बट अगेन आई वुड से इफ पीपल हु हैव नो इकोनामेटिक्स बैकग्राउंड दे शुड स्कीप क्वेश्चन सारे डिटेल्स यहाँ पे लिखे हुए हैं ठीक है इकोनॉमेट्रिक्स जब आप मास्टर्स में पढ़ोगे बिकॉज इन सी यू ई टी इन सी यू टी देर इज नो इकोनोमेट्रिक्स तो यू नीड नॉट टू वरी एक क्वेश्चन फिर आएंगे हैप्पी यू कैन लीव यहाँ पे सारे फीचर्स दिए हुए हैं यू कैन रीड आई एम लिटिल टायर्ड आई थिंक दिस वुड बी आवर लास्ट क्वेश्चन वन मोर सेशन वी विल हैव ऑन पी वाई क्यू थोड़ा मैं थक गया हूँ बिकॉज वन साइडेड से तब से मैं बोला जा रहा हूँ तो विल टेक अनदर सेशन यह आप देख लेंगे काफ़ी ईजी है इन डिफरेंस कर्व है मोस्ट ऑफ दैम इन कर्व सेप एक्स एंड सेप वाई है तो जल्दी से इसका आप आंसर बताएंगे 50 का क्या होगा द सेप ऑफ एंड टू इन डिफरेंस कर्व फॉर टू बैड यार कितना ईजी में बताया हूँ एक ऐसा आएगा एक ऐसा आएगा ठीक है एक तो नॉर्मल इनडिफरेंस कर्व जो आपको आएगा तो टू बैड का कैसा इंडिफ्रेंस कर्वाता है कनकेव टू ऑरिजिन राइट जब आप सेटिएसन पॉइंट देखोगे प्लीज गो बैक टू द ब्लिस पॉइंट यह अगर आप पढ़ लिए हो यह वाला री वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू नो दिस डायग्राम यहां पर क्या था टू बैड अगर दोनों बैड हो तो इट विल कम टू वार्ड ओरिजिन तो पहला हमारा क्या होगा स्लोप ऑफ टू बैड यहां पर मैंने लिखा है स्लोप ऑफ टू बैड कनकेव टू ओरिजिन सेप ऑफ इंडिफ्रेंस करन गुड एंड वन बैड अप वार्ड स्लोपिंग डेफिनेटली तो आप एक दो को, एक और दो आपको पता हो गया तो आप देख लो एक का दो एक का दो कनकेव टू ओरिजिन तो एक का टू एक का टू यहां है का टू यहाँ नहीं है यहाँ नहीं है तो तीन और चार पहले ही एलिमिनेट हो गया बी देखते हैं हम बी का क्या होगा आई थिंक तो बी का हमारा आएगा बी का अपवर्ड स्लोपिंग तो थ्री तो बी का थ्री मिल गया और कहीं नहीं है और कहीं नहीं है सारा ऑप्शन एलिमिनेट तो आंसर आ गया हमारा फिफ्टी का टू यस चलिए एनी डाउट सो फार तो गैज प्लीज डू योर होमवर्क फ्रॉम योर साइड नियरली ट्वेंटी सिक्स क्वेश्चन वी हैव डिस्कस्ड आई थिंक फ्रॉम ट्वेंटी सिक्स टू फिफ्टी ठीक है नेक्स्ट अराउंड ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी डिस्कस्ड इन नेक्स्ट सेशन तो नियरली हमारा टू लॉन्ग सेशन होगा काफी डिटेल्ड एनालिसिस मैंने दिया है इसको बनाने में मुझे काफी टाइम लगा एंड रियली थैंक यू पीपल फॉर हैव योर पेशेंस आपने काफी पेशेंस से इसको लिया सारे के डिटेल्स है यह पीडीएफ में अपलोड कर दूंगा यहां पर यह भी कवर हो चुका है क्लास में नो माई सिंपल रिक्वेस्ट दिस वॉज जस्ट ए ग्लिम्स की हाउ वी विल जस्ट किल दी यू टी सी यू टी को हम पूरा रिकॉर्ड करेंगे आई एम जस्ट रिक्वेस्टिंग यू प्लीज आई एम राइटिंग हेयर प्लीज जितने भी मैक्रो के लेक्चर अपलोड हो चुके हैं माइक्रो के लेक्चर अपलोड हो चुके हैं स्टेट्स के लेक्चर अपलोड हो चुके हैं एप पे प्लीज आई एम राइटिंग हेयर प्लीज नो एनी फैकल्टी विल टेल यू प्लीज जनरली दे डिक्टेट आई एम राइटिंग प्लीज वॉच ऑल द लेक्चर केयरफुल्ली मेक नोट्स देन प्लीज सॉल्व द क्वेश्चन ट्रस्ट मी क्लास के लेक्चर से मोर देन फिफ्टी सिक्सटी परसेंट क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहे हैं आउट ऑफ सेवेंटी फाइव क्वेश्चन नियरली थर्टी फोर्टी क्वेश्चन आप डायरेक्ट ए टू जेड कॉपी पेस्ट क्लास से बनाओगे ठीक है और दस पंद्रह क्वेश्चन खुद अपना दिमाग से बना लिए तो पचास क्वेश्चन करेक्ट कर लिए तो पचास गुना चार दो सौ नंबर लेट्स मेक इट यार ओके चलिए विल वाइंड अप द सेशन विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास दैट आई विल अपडेट इन टेलीग्राम ग्रुप एज वेल एज ऑन द एप ठीक है ओके कोरिलेशन है रिग्रेशन है यह देखिए यह भी फॉर्मूला भेज है सारे के सॉल्यूशन मैंने रेडी कर रखा है कुछ क्वेश्चन और बचे हैं उसको वंस यू विल प्रोग्रेस आई हैव गिवेन द डेट कि यार टेन से फिफ्टीन तक आप जल्दी से पी वाई क्यू सॉरी मीन्स ऑल द लेक्चर यू प्लीज वॉच नियरली फिफ्टीन दिसंबर बट दिस डेड लाइन आई एम इंक्रीजिंग चलो ट्वेंटी टू ट्वेंटी फाइव तक आप जल्दी से वॉच कर लो लेक्चर नियरली टू टू थ्री लेक्चर यू कैन वॉच वन लेक्चर वन आवर का है तो इफ़ यू स्टडी फाइव आवर्स तो यार मतलब दो तीन लेक्चर तो हो ही जाएंगे प्लीज वॉच इट एंड आई वॉन्ट मोर पार्टिसिपेशन आई वॉन्ट यू पीपल टू पार्टिसिपेट सो दैट वी कैन डू बहुत से लोग ग्रुप अभी लाइव चैट छोड़ दिए बिकॉज दे हैड नो आइडिया दे हैव नॉट रिवाइज थियरी एंड दे इवन फॉर गॉड की एग्जाम आपका जस्ट टू एंड हाफ मंथ लेफ्ट है लेस देन थ्री मंथस ठीक है तो यह भी आपको ध्यान में रखना है अब आपको डू और डाई होना पड़ेगा क्लियर सारे फॉर्मूला बेस्ड है विल डिस्कस चलो एक बार आप गो थ्रो हो जाएंगे सी यू टी पी को हम विद इन ए वीक या फिर आप मैं एक ब्रेक लूँगा जब आप सारे लेक्चर देख लोगे नियरली फिफ्टीन टू ट्वेंटी दिसंबर देन विल डू ए सेशन बट फर्स्ट जनवरी से पहले इसको हम सारा खत्म करेंगे डिटेल एनालिसिस करेंगे डिटेल एनालिसिस एंड द वे यू विल अंडरस्टैंड फ्रॉम अपने साइड से आप सेल्फ नोट्स बना लेना टू थाउजेंड ट्वेंटी टू सी यू टी का भी कर लेना खुद से ठीक है उसका मैं एक ऑलरेडी वीडियो डाल चुका हूँ जस्ट गो टू द यूट्यूब चैनल एंड वॉच पी वाई क्यू डिस्कशन ऑफ नवनीत मिश्रा अविनोमिक्स आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा ये

अपने तरफ से आप कोई भी कसर ना छोड़े विल मेक इट ट्रस्ट मी विल मेक इट थिंग्स आर लिमिटेड वी हैव टू मैक्सिमाइज द थिंग्स जो हमें नहीं आ रहा है सिर्फ हमें वही नहीं पढ़ना है ट्राई टू अंडरस्टैंड ठीक है जो मुझे नहीं आ रही है सपोज दैट यू पीपल आर कि सर इको पूछ रहा है मेरे भाई प्लीज लीव इट एक क्वेश्चन आएंगे उसके लिए आप पूरा अपना टाइम को किल मत करो प्लीज दिस इज माई हम्बल रिक्वेस्ट ओके चलो देन टर्निंग ऑफ साइनिंग ऑफ विल अपडेट यू नेक्स्ट क्लास गुड लक बाय बाय और प्लीज स्टे ट्यून्ड दो तीन टेलीग्राम चैनल होंगे उसको आप जल्दी से ज्वाइन कर लेंगे और सारे डिस्कशन अभी वहाँ चल रहे हैं तो कीप डिस्कसिंग एंड फर्स्ट रिक्वेस्ट पीपल हु हैव ज्वाइन द कोर्स प्लीज यार नियरली ट्वेंटी दिसंबर तक आप सारा लेक्चर देख लो बिकॉज इफ यू वॉन्ट वॉच ऑल लेक्चर्स फॉर मी इट विल बी मोनोटोनस टू डिस्कस द थिंग्स चलिए गुड नाइट गाइज बाय बाय इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन टर्न ऑन योर माइक एंड यू कैन आस्क मी एंड गैस पीपल हु हैव नॉट जॉइन द कोर्स दीज आर द टॉपर लिस्ट ठीक है दीज ऑल आर टॉपर बहुत का तो मुझे नाम भी पता नहीं है एंड यू कैन बी द नेक्स्ट टॉपर तो इट्स नॉट अबाउट टॉपर एंड ऑल डी एस सी जेन यू एस यू गोखले आई जी डी आर डीज ऑल आर इजियर जस्ट डू द थिंग्स प्रॉपरली और यहाँ पर आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं दिस इज आवर नवी नॉमिक्स ऐप नॉट माई ऐप दिस इज आवर एन वी आई एन ओ एम आई सी एस ठीक है ऐप डाउनलोड कर लेंगे या फिर इसको आप डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट एन वी आई नवी एन ओ एम आई सी एस नवी नॉमिक्स डॉट इन भी देख सकते हैं ठीक है दिस इज माई पर्सनल टेलीग्राम हैंडल यू कैन टू कॉन्टैक्ट मी यहाँ पर कॉल कर लेंगे या व्हाट्सअप कर लेंगे कोई इंक्वायरी होगा और यहाँ पर क्या है आपका डेली एम सी क्यू आ रहा है अभी डेली एम सी क्यू आ रहा है तो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेंगे दीज ऑल आर एक बार स्क्रीन शॉट ले लें इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू नो द डिटेल्स और कोर्सेज वगैरह शुरू हो चुकी है यह सिलेबस था सिलेबस हमने पूरा भी कवर किया है और कोर्स फी भी मैंने काफ़ी कम रखा है तो पीपल हु आर इंटरेस्टेड दे कैन ज्वाइन द फुल कोर्स चलो बाय बाय होप टू सी यू इन द नेक्स्ट क्लास दीज ऑल आर डिटेल्स ऑफ आवर कोर्सेज वाट आई एम प्रोवाइडिंग एंड पीपल आई कैन जस्ट लुक एट हियर चलिए यह सारे डिटेल्स रहे कोर्स फी काफ़ी कम है क्रैश कोर्स हमारा चल रहा है यू आर इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन वॉच एंड नॉट ओनली दिस इन द यूट्यूब सेक्शन बिलो आई हैव गिवन ट्वेंटी फ्री डेमो लेक्चर्स ठीक है ट्वेंटी फ्री डेमो लेक्चर दिया हुआ है यू कैन ऑल्सो वॉच दैट आफ्टर वॉचिंग ट्वेंटी फ्री डेमो लेक्चर्स देन यू ज्वाइन द क्लास नीचे लिंक होगा इन द डिस्क्रिप्शन एंड वहाँ पर जो होगा टेलीग्राम चैनल दिया होगा टेलीग्राम लिंक देर आर टू थ्री डिफरेंट टेलीग्राम लिंक्स एक इकोनॉमिक्स का है एक मेरा ऑफिशियल है तो यू कैन फॉलो एंड यू विल बी गेटिंग रेगुलर अपडेट्स रेगुलर पी वाई क्यू डिस्कशन ऑल द फ्री कंटेंट्स एंड ऑल चल थैंक यू सो मच गैज एंड दीज आर एग्जाम डेट्स विच आई विल बी कीप रिमाइंडिंग यू ऑलवेज अंटिल अनलेस योर एग्जाम इज डन ये आपका एग्जाम डेट है सारा सी यू टी का एग्जाम जो है हमारा हुआ आपका मार्च ट्वेंटी फोर में होगा थैंक यू सो मच ओके टे सीरीज आ चुकी है टे सीरीज आप ज्वाइन करें या कॉन्टैक्ट का तो स्क्रीन शॉट ले लें वी आर अवेलेबल ट्वेंटी फोर सेवन जस्ट टेक्स्ट अस कॉल अस वी विल रिप्लाई यू और टेलीग्राम हो चाहे इंस्टाग्राम हो आप फॉलो कर सकते हैं चलिए बाय बाय